आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है बेल आइकन को दबा दें, जिससे क्या होगा आपके पास नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आता रहेगा। आर्गुमेंट्स कैन विन द सिचुएशन बट लॉस द पर्सन, व्हाइल पेशेंस कैन लॉस द सिचुएशन बट विन द पर्सन। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारे में गुस्सा बहुत ज़्यादा है, हम कसमें भी खाते हैं गुस्सा नहीं करेंगे कल से, लेकिन फिर वही गुस्सा फिर दोबारा करने लग जाते हैं। तो यानी कि गुस्सा उनके ऊपर हैवी रहता है और वो गुस्सा करते रहते हैं। गुस्से में क्या होता है, आपका प्यार से प्यारा रिश्ता वो भी ख़त्म हो जाता है, सारे रिश्ते आपके ख़त्म हो जाते हैं गुस्से में धीरे धीरे। तो गुस्सा क्या हुआ, क्रोध से पहले भी आप दुखी थे, जब आपने क्रोध किया तब भी दुखी हो, और जब आप क्रोध करके ख़त्म कर देते हो क्रोध को, यानी क्रोध कर लेते हो उस बंदे के ऊपर जिसके ऊपर आप करना चाहते हो, तो उसके बाद भी दुखी ही रहते हो, यानी खुशियाँ तो आपको कहीं भी नहीं मिली ना। तो अगर आप बात सुनो, अगर आपने आपके ऊपर कोई गुस्सा करे तो आपको कैसा लगेगा? आप नहीं सह पाओगे, यार इसने गुस्सा क्यों किया मेरे पे, ऐसे गुस्सा क्यों किया, इसकी हिम्मत कैसे, ऐसे ऐसे बात करोगे। तो वही चीज़ देखो ना, आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया तो क्या आपको करना चाहिए था? जब आप खुद सहन नहीं कर सकते हो गुस्से को, तो आप दूसरों के ऊपर क्यों करते हो? अब बात आती है कि गुस्सा करने से क्या क्या हानियाँ होती हैं। गुस्सा करने से आपको नहीं पता कि आपकी थिंकिंग ब्रेन जो ख़त्म हो जाता है, जो आपकी सोचने की पावर ख़त्म हो जाती है, आपका जो हार्ट अटैक के केसेज होते हैं वो भी इसी के गुस्से के कारण होते हैं, क्योंकि आप हाइपर हो चुके होते हो, आपके अंदर इतनी गुस्से में पावर आ चुकी होती है कि आपकी नसें कमज़ोर हो सकती हैं, आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब गुस्से से देखो कितनी हानियाँ हो गई। अब आप गुस्सा करोगे, घर भी ख़राब हुआ, बच्चों पर गुस्सा कर दिया, बेमतलब करते रहे। और एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप लगातार गुस्सा करते रहेंगे तो सामने वाला बंदा सोचेगा इसकी तो आदत ही ऐसी है, यार ये तो आदत ही ऐसी है, इसको रहने दो, कोई नहीं आदत है इसकी। तो आदत है ऐसी ही, उसको इग्नोर कर दिया ना, तो कोई उसके पास भी फटकने से पहले सोचेगा यार इसको इस बात पे भी गुस्सा आने, इस बात पे भी गुस्सा आने। तो गुस्सा कितना हानिकारक हुआ, आप दुनिया से दूर होते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है गुस्सा करने का। तो गुस्सा करने से आपके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। तो गुस्सा कंट्रोल, अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुस्सा अपने हाथ में होता है, वो कहोगे सर हम गुस्सा जब आते ही इतने हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो देखो कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमें अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखना होता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ, एक बार मैं गया सब्जी मंडी जा रहा था जैसे, तो पीछे से एक साइकिल ने मेरे को हिट किया लेग के ऊपर। तो मैंने कहा भाई साहब, मैंने प्यार से बात करी, मैंने भाई साहब आप क्या कर रहे हो, ये तो आपको ध्यान से चलाना चाहिए था। कहता मैं क्या करूँ, आप देख लेते, आप साइड में जाते, हालांकि मैं लेफ्ट साइड में था। देखो उसने गुस्सा किया मेरे ऊपर, अगर मैं भी करता तो क्या होता, वहाँ पर फाइट हो जाती, वो मेरे पे गुस्सा करता, मैं उस पर गुस्सा, दुनिया तमाशा देखती, क्योंकि सब्जी मंडी है आपको पता ही है, तो जैसे भी है मतलब दुनिया तो देखो तमाशा देखेगी, काम का जुलूस निकल जाता किसी बात पे। तो मैंने अगर चुप रहा तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, चुपचाप चले गए, ठीक है। और नेक्स्ट डे, मतलब कि काफ़ी दिन की बाद की बात है, अब आप कहोगे सर ऐसा नहीं हो सर, लेकिन रियल बात बता रहा हूँ आपको कि क्या हुआ, कि एक बार मैं साइकिल चला रहा था, बाई चांस उसकी ब्रेक फेल हो गई। तो जैसे ही मैं ब्रेक फेल हुई, मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं बचाऊं सबको, करने के बाद बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने, क्योंकि मैं लंबा हूँ तो मैंने क्या किया, बिल्कुल पैर मेरे नीचे लग चुके थे, ब्रेक मैंने पैर से स्पोर्ट देके बिल्कुल साइकिल रोक लिया, हालांकि हल्का सा ही टच हुआ था सर, वो जो शुरू हो गया बिना ब्रेक के, तेरी ये तेरी वो तेरा ये, ऐसे ऐसे करके शुरू हो गया। मैं तो कमाल है यार, फिर मैंने अपनी बात को सोचा यार, मैंने कहा यार मैंने सॉरी भी बोला उनको, सॉरी सर गलती हो गई है, मैं ब्रेक लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग नहीं पाई। बात वही आती है, देखो झगड़ा करना तो 2 मिनट में हो जाएगा, खुशियाँ किसी को दे सकते हो आप 2 मिनट में? नहीं दे पाओ, काफ़ी कोशिश कर लो आप खुशियाँ नहीं दे पाओ, गुस्सा 2 मिनट के अंदर किसी को भी दे सकते हो। तो ये चीज़ें आपको लेकर चलो, मेरा भी मन करा चलो यार इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका है कि काफ़ी परिवार टूट चुके हैं, काफ़ी परिवार अलग अलग रह रहे हैं, अफेक्ट बच्चों पर भी पड़ रहा है, बच्चे भी कहते हैं कि हमारे रिश्तेदारी सब खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि जो सीनियर थे जो बड़े थे उन्होंने क्या किया, आपने गुस्सों में दरारें डाल दी सब पे, वो गुस्सा किया उसने गुस्सा। देखो जो दो बंदे फाइट कर रहे हैं, देखो बात सुनो ध्यान से, जैसे एक के अंदर गुस्सा है दूसरे के अंदर गुस्सा है, तो वो झगड़ते ही रहेंगे आपस में, सारा दिन झगड़ते रहेंगे, एंड कहीं पे नहीं होना, एंड भी पड़ोसी कराएंगे आके अगर अच्छे होंगे तो, नहीं तो फिर क्या होगा कि वो उसको भड़काएंगे फिर उसको भड़काएंगे, दोनों की ऐसी फाइट कराएंगे, फिर बाद में मजे लेंगे, देखो मजा आ गया आज तो मल्ले में ऐसे ऐसे हुआ था, फिर 4 पड़ोसियों को और बताएंगे, बताओ जुलूस किसका निकला? आपका। तो चाहे गृहस्थी है, चाहे परिवार है आपका, चाहे भाई बहन है, आपको क्या चाहिए, एक अगर गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत होना पड़ेगा। आप कहोगे कि सर मैं क्यों शांत हूँ,
तो भाई आपको एक को तो मानना ही पड़ेगा ना, अपना गुस्सा है उसको कंट्रोल रखो थोड़ा सा। अगर उसने गुस्सा कर दिया है चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं थी थोड़ा सा कहने की कोशिश करो कि यार मेरी गलती नहीं थी इसमें। अगर वो नहीं मानता, ढीठ है, तो क्या कर सकते हो आप? अगर मान लो आप गलती उसको मनवाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी, ये वो वही वो, शुरू हो गए झगड़ा बढ़ गया, और जिसका कोई एंड ही नहीं है। झगड़े का कभी एंड होता है? कभी एंड नहीं होता। वो उसको गलत कहेगा, वो उसको गलत कहेगा, फिर अगले दिन वो उसको गलत कहेगा, फिर उसको गलत, दिन में यही कहानियाँ चलती रहनी है। तो गुस्से का कभी कोई एंड नहीं होता, ये आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के कुछ मेथड बताऊंगा आपको कि हमने अपने आप को कैसे रखना है, अपने संभाल के कि मैं यार गुस्सा नहीं करूँगा, अपने आप को वश में करो, अपनी इंद्रियां जिसको बोलते हैं, इंद्रियां मतलब होता है कि अपने अंदर। देखो अब आप एक बात कहोगे कि जैसे आपने जा रहे हो, आपने किसी किसी ने आपको गुस्सा दिलवा दिया, तो आप बाद में किसी से बात करते हो यार मेरे में गुस्सा नहीं है, गुस्सा दूसरे दिलवा दिया, इसका मतलब आप टीवी हो, रिमोट उसके हाथ में है, तो उसका दिल करा उसने रिमोट चला दिया, आपके अंदर गुस्सा दिलवा दिया, तो ये तो उसके, आप खुद देखो आप तो उसके कहने पे चल रहे हो ना। ये चीज़ आप सोचो, मन में सोचो कि आपके अंदर गुस्सा आया किसके कारण है? उसके कारण, उसने क्या किया आपको? उसने रिमोट दबाया, आपके अंदर गुस्सा आ गया। अब कई बार क्या होता है कि मैंने देखा है कई बार कोई चैलेंज करता है, यार मैं इसके अंदर गुस्सा दिलवा सकता हूँ, बेइज्जती किसकी हुई? जिसके अंदर गुस्सा हुआ उसकी हुई ना। तो क्या हुआ, उसने कहा कि चलो यार मैं इसके अंदर गुस्सा दिलवा के दिखाता हूँ, तो दूसरे बंदे ने बात करी, नहीं यार तू ऐसा नहीं कर सकता, उन्होंने बैठ लगा ली। थोड़ी देर में उसने ऐसी ऐसी बातें कर दी, उस बंदे के अंदर इतना हाइपर हो गया, थोड़ी देर में कहता है यार मैंने तो बैट लगाई थी, बेइज्जती अलग हो गई। तो देखो अपने आप को ऐसा क्यों बनाते हो? सामने वाला बंदा कोशिश यही करेगा कि आपके अंदर गुस्सा आए और दुनिया जुलूस देखे। जुलूस का मतलब समझते हो ना, इंसल्ट होती है। ऐसे सबके सामने अपने घर की बर्बादियां दिखाना अच्छा नहीं होता। अब देखो मियाँ बीवी है, मान लो गुस्सा है उसके अंदर, तो क्या होता है अगर उन्होंने झगड़ना भी है? पहली बात तो यह है कि थोड़ी सी बात मैं बाहर आउटर एरिया के लिए भी करना चाहूँगा कि अपने घर की लड़ाइयाँ बाहर मत दिखाओ, अपने घर के अंदर लड़ो। अगर मियाँ बीवी ने बाई चांस लड़ना है तो बच्चों के सामने मत लड़ो, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी काफ़ी इफेक्ट जा रहे हैं, वो भी वैसा ही सीख रहे हैं जैसे पेरेंट्स लड़ रहे हैं, बच्चे उनको देख रहे हैं, कभी हाथापाई भी हो जाती है, कभी दूसरी चीज़ें लड़ते रहते हैं, अब्यूजिंग होती है, उससे क्या होता है बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है। आप एजुकेटेड करना चाहते हो, बच्चे को साथ में देखो और क्या हो रहा है, बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो क्या होगा, बेचारा पढ़ने के लायक भी नहीं रहेगा, उसका दिल ही नहीं करेगा पढ़ने का, उसके मन में बार बार पढ़ाई के टाइम पे यही ख्याल आएंगे यार मेरी मम्मी ने ऐसा क्यों बोला, मेरे पापा ने ऐसे वर्ड क्यों बोले। और दूसरी चीज़ ये है, कई बार क्या होता है कि ड्रिंक लेके आ जाता है हस्बैंड तो लड़ने शुरू कर देता है, देखो फैक्ट किस पे पड़ा, पूरी फैमिली पे पड़ा, ठीक है। तो थोड़ी सारी चीज़ों को लेके चलो, कभी जैसे बीवी झगड़ा कर देती है, कोई बात होती है हल्की सी होती है उसको बढ़ा देना, कई पड़ोसी क्या करते हैं चुगली कर करके उसको और बढ़ा देते हैं, तो एक आम आदमी को क्या चाहिए, किसी की चुगलियों पे मत जाओ। आप एक काम करो, ये तो मैंने सारा आपको बता दिया कि गुस्से के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, अब मैं तरीका बताता हूँ कि आपको गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है और उसको आगे बचाना कैसे है। मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, मान लो किसी से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो ऐसी काम कर रहा है जिससे आपको गुस्सा आना शुरू हो रहा है, ठीक है, आप पूरी जगह नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उसके साथ वाला एरिया छोड़ दो। अब आप कहोगे सर एकदम छोड़ के नहीं जा सकते, थोड़ा टाइम दो उसको 2 मिनट के लिए, करने के बाद आप देखो कि वो सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा, उसके अंदर मतलब कि वही काम कर रहा है गुस्सा दिलवाने के लिए कर रहा है, ठीक है, उसको प्लेस को छोड़ दो, फिर आप छोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला रिलाइज तो ये हो गया कि आपको ऐसा करना है, ठीक है, एक गुस्से का कारण यही होता है ज़्यादातर। और दूसरा क्या होता है कि जो कई बार पड़ोसी अच्छे भी निकल आते हैं और कई बार ऐसे निकल आते हैं कि उसको आग लगा देते हैं कि सास बहू के बारे में, बहू सास के बारे में, या फिर ऐसे हस्बैंड के बारे में या किसी के बारे में, तो पहले उस चीज़ को सोचो, क्या वो चीज़ सही थी, क्या वो एक्चुअली में चीज़ थी जो उसने कहा, क्या वो सच था, उसकी बजाय क्या हुआ आग बबूला हुए सीधा फोड़ दिया, अब उसके ऊपर जाके गुस्सा, ये तेरा वो तेरा वो, क्या है ये, क्या सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उस चीज़ को सोचो समझो, क्या वो एक्चुअली में सही थी, उस चीज़ को देखो, फिर बात करो जो करनी है, और वो भी गुस्से से नहीं, ऐसे रियलाइज कराओ बंदे को कि कहते हैं ना सांप भी मर्जे लाठी भी ना टूटे, तो उसको गुस्से से नहीं वैसे फैक्ट डलवाओ कि उसको खुद सॉरी मांगने पड़े, यार मेरे से गलती हो गई, मैंने ऐसा नहीं करना। और गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, गलती मानने से कभी छोटा नहीं होता, क्या होगा आपके घर के क्लेश खत्म हो जाएंगे एक सॉरी वर्ड से। देखो
और सॉरी का मीनिंग ये नहीं होता जैसे स्कूलों में बच्चे सॉरी कर देते हैं, सर सॉरी, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। उसके अंदर क्या होता है कि सॉरी वर्ड जो होता है आपका, वो होता है कि आगे उसको रियलाइज़ करो गुस्से को, उसके वो रियलाइज़ करा कि हमने सॉरी कर दी, आगे से गलती ऐसी नहीं होगी। तो चुगली करने वालों से बचो जितना हो सके। अगर आपको लगे कि वो मेरे घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है तो उससे दूर रहो, ज़्यादा बात ना करो, नमस्ते नमस्ते की अपना बात ख़त्म, ठीक है। तो और बात आती है कि गुस्से को कभी क्या होता है कि आपको टेंशन हो जाती है, उसको हैवी ना होने दो, ज़्यादा अपनी टेंशन को हैवी ना होने दो। उससे क्या करो, जैसे आपको मान लो गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या करना है, आप गुस्सा निकालना चाहते हो उस पर, तो आपने गुस्सा नहीं निकालना है, आपने आपको कंट्रोल रखना है। तो आप कहोगे कि सर टेंशन शुरू हो जाती है हमारे मन, तो क्या करो, म्यूजिक सुनो। म्यूजिक जो है थेरेपी है एक टेंशन की आपकी, स्ट्रेस जो होता है दिमाग में आपका म्यूजिक से दूर हो जाता है। जैसे आपको गाना पसंद आता है या कोई सीरियल अच्छा लगता है आपको उस टाइम पर, या कोई बुक अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ एनीवन, जैसे कहते टी वी नहीं घर पर, चलो कोई बात नहीं बुक पढ़ लो, अलग से कुछ करना शुरू कर दो, तो जो स्माइल होती है ना चेहरे पे, कहते हैं कि गुस्से को, सामने वाले बंदे को ना आप प्यार से जितना पटा सकते हो ना, तो गुस्से से नहीं पटा सकते उसको। आप गुस्से से जितना मर्जी गुस्सा करो, उसको अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, वो मानेगा ही नहीं, और प्यार से सब कुछ मान लेंगे सामने वाले। और दूसरी बात ये बताता हूँ, जिस बंदे के अंदर गुस्सा आ गया ना, अगर सामने वाला सही है ना, तो उसको बाद में रिलाइज होता है, यार कमाल है मैंने इतना गुस्सा करा और उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को लेके चलो ना कि उस बंदे के ऊपर, बेचारे के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा, तो दूसरा बंदा रिलाइज करेगा। कहोगे सर कई बंदे रिलाइज नहीं करते, फिर वो बेवकूफ़ है, क्योंकि वो कभी ना कभी देखो रिलाइज जरूर करता है, वो मन से नहीं, वो पता क्या चीज़ है, अपने आपको हैवी होने के लिए कोशिश करता है, इसलिए वो रिलाइज नहीं करता, लेकिन मन में सोचता है यार कमाल है मैंने इतना गुस्सा करा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर यही बंदे सोचने लग जाए ना कि उसको इफेक्ट नहीं पड़ा, चल यार कोई नहीं मैं ही सॉरी मांग लेता, यानी हर कोई बंदा ये चाहता है कि मैं बड़ा, ये मैं का वर्ड है ना, जो देखो रावण को नहीं छोड़ा तो और किसको छोड़ेंगे। रावण के अंदर क्या था, बेचारा इतना ज्ञानी थे वो, काफ़ी थे, लेकिन उनके अंदर क्या आ गई थी, अहंकार। एक अहंकार जो होता है ना, घमंड, मैं, ये मैं वर्ड को हटा दो, तो आप प्यार से ज़िंदगी जीनी शुरू करो। तो क्या होगा इसके बाद, म्यूजिक, मेडिटेशन में क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप क्या करो, लंबी लंबी सांसें लो, बैठ के एक जगह आँखें बंद करी, ध्यान लगाया, ईश्वर को याद किया, और 5-6 लंबी सांसें करो, जैसे सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं सुबह के टाइम पे, जैसे होता है हमारा श्वास, तो आपको लगेगा कि आपका गुस्सा थोड़ा कम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें मेडिटेशन करके, अपना ध्यान म्यूजिक की तरफ लगा के, उस एटमॉस्फेयर को छोड़ दो, उस एटमॉस्फेयर को उस समय के लिए छोड़ दो जिस टाइम क्लेश बढ़ रहा है। तो आप एक बार बताएं, अगर आपको चाहते हो कि यार मेरा कसूर नहीं था, फिर मैं गुस्सा सहन क्यों करूं, आप एक बार रियलाइज कराओ, सामने वाले को बोलो कि यार ऐसा था, मेरा कसूर नहीं था, आपको गलत हो गया, तो आप इस चीज़ को समझो, ऐसे बात करो। नहीं समझ आ रहा, कोई नहीं, उसे को छोड़ दो, अपने आप बाद में पता चल जाएगा उसको कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ था। तो गुस्से से चीज़ें बढ़ती हैं, झगड़े बढ़ते हैं, परिवार टूटता है, परिवार अलग अलग हो जाता है, फिर बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता, मनाते रहो। अब आपने किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया, मान लो तो आपने सॉरी कह दी, तो सॉरी कहने से क्या होगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा गुस्सा कर दिया, उस पर बहुत ज़्यादा कर चुके हो आप, तो क्या होगा, सामने वाला यार बंदा सोचेगा तो इसने गुस्सा बहुत ज़्यादा किया था मेरे ऊपर। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सोचना, अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज क्यों हो रहे हैं आखिर, टेंशनों के कारण। टेंशन पे भी वीडियो डालूंगा मैं, अभी गुस्से की बात चल रही है। तो गुस्सा आप करने से हमारी नसों पे जोर पड़ता है, हमारे पास जो पावर होती है असली वाली ख़त्म हो जाती है। उसको ख़त्म कैसे करना है, नंबर एक तो गुस्से को ख़त्म करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, गुस्से को ख़त्म कैसे करना है। पहली बात तो मैंने बोली कि चुगली करने वालों से दूर रहो। दूसरी बात ये है कि अगर आपको लगे कि वहाँ पे लड़ाई होने वाली है या कि झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो उस जगह को, एटमॉस्फेयर को छोड़ दो, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि मेरा गुस्सा बढ़ रहा है, तो उसको कोशिश करो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तो उस चीज़ को लो, परमात्मा को याद करो, आराम से बैठो, लंबी लंबी सांसें लो, सुबह उठ के लोम विलोम करो, काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा आपके। म्यूजिक सुनो, आपको जो म्यूजिक पसंद है, अपना ध्यान क्या कहते हैं, अपने आप को डाइवर्ट कर दो। जैसे आपके अंदर गुस्सा आ रहा है या आप सोच रहे हो, मन में टेंशन ले रहे हो, तो आपने अपने आप को डाइवर्ट कर दो। अपने आप दिमाग को डाइवर्ट करने का तरीका यही होता है, म्यूजिक सुनना और ये काम करने। मानसिक स्ट्रेस से आपने काफ़ी दूर रहना है, दिमाग में ऐसी कोई परेशानी नहीं करनी है। अब देखो कई बार क्या होता है, गुस्से पावर के बारे में बता रहा हूँ, मान लो आपके कार की ब्रेक फेल हो गई है, क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। तो ऐसे ही गुस्सा अगर ज़्यादा करोगे तो काम खराब ही है ना, तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं आता। तो कोशिश करो, आज से शुरू हो जाओ, मेरी वीडियो सुनने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा है आपको, तो आज से शुरू हो जाओ और गुस्सा करना कम कर दो, कोशिश करो। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत है, तो आप कोशिश करो, आपका गुस्सा धीरे धीरे
ख़त्म होता जाएगा, तो आपकी जो थिंकिंग ब्रेन ख़त्म होने वाला है उसको बचाओ, किसी भी तरीके से बचाओ। तो एक साथ में डाइट अच्छी रखो, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अपनी चीज़ को डाइट सही रखो, तो अन टाइम पे खाओ, भोजन टाइम पे खाओ, अपने अंदर गुस्से को कम करो, बच्चों पे इफेक्ट मत डालो, बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद मत करो, घर पे खुश रहो, क्योंकि बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक सिर्फ अपने अहंकार के कारण कि नहीं मैं ही मैं। अपनी मैं को हटाओ, अपनी मैं को हटाना पड़ेगा, ईगो को हटाओ। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि किसी की बात की मानने की कोशिश भी किया करो, ये मत कहा करो कि मेरी मानो मेरी मानो, ये देखो कि आपके अंदर कोई गलती तो नहीं है, उसको ठीक करो आप, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा हर संसार का जितने भी देशवासी हैं सारे खुश रहें, आबाद रहें। और जैसे आप ये देखो, अब देखो लॉकडाउन में आप बंदिश में रह सकते थे, नहीं रह सकते थे ना, तो कोरोना ने बंदिश में रख दिया आपको, ठीक है ना। तो देखो आप वो जो चीज़ नहीं कर पा रहे थे वो मजबूरी कर रहे हो ना यार, फिर गुस्से को भी हटा दो। अब देखो लॉकडाउन के कारण आप अंदर रह रहे हो, जो बाहर घूमते रहते थे आज वो अंदर दबे पड़े, आपने आपको कंट्रोल किया। तो वही बात ये आ जाती है गुस्से में, फिर गुस्सा कंट्रोल कर लो। जब आप खुद देखो आप कर सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग, आप हर चीज़ कर सकते हो, आपके अंदर इतनी पावर है। गुस्सा क्या चीज़ है यार, सारा दिन मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, आपके चेहरे ऐसे खिल जाएंगे जैसे पता नहीं क्या होता है। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू।